नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट बल्ले और गेंद के बीच एक संतुलन का खेल है? लेकिन क्या हो अगर ये संतुलन खत्म होती दिखाई दे? 350 का स्कोर या 350 का चेज डाउन, T20 क्रिकेट में बैट्समैन की डबल सेंचुरी या 25 गेंदों में शतक। ऐसा क्या हुआ कि IPL 2024 में बहुत सारे क्रिकेट दिग्गज ने सेम बॉलर, रोस्ट IPL जैसे शब्द का इस्तेमाल किया? आइए इन बातों पर गहराई से नजर डालें। दोस्तों, इस IPL सीजन में अब तक बहुत सारे 200 प्लस का स्कोर लग चुके हैं। यही नहीं, पिछले 12 IPL मुकाबले में 12 टीमों ने 200 से अधिक रन बनाए हैं और अब तक इस सीजन में 7 बार 250 का आंकड़ा पार हो चुका है। ऐसा ही कुछ कल के मैच में हमें देखने को मिला। कोलकाता और पंजाब के बीच इस मुकाबले में कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 261 रनों का विशाल लक्ष्य पंजाब के सामने रखा, जिसे छू पाना बेहद ही मुश्किल लग रहा था। फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे देख बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज सेब बॉलर रोस्ट IPL जैसे ट्वीट कर रहे हैं। 262 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की टीम ने 8 गेंद रहते ही यह मुकाबला 8 विकेट से अपने नाम कर IPL इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज कर दिया। दोस्तों, इस मुकाबले के बाद भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने ट्विटर पर बॉलर को बचाओ SOS इमोजी के साथ पोस्ट किया। उन्होंने पंजाब और KKR के मैच के बाद रोस्ट IPL की आवाज बुलंद की। #RoastIPL कल रात पंजाब और KKR के बीच एक रन उत्सव के बाद ट्रेंड हुआ, जिसमें भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, IPL के इस सीजन में बॉलर्स केवल गेंदबाजी मशीन में तब्दील हो गए हैं। यहां तक कि 200 भी सुरक्षित टोटल नहीं है। उन दिनों की बात छोड़ दी गई है जब 180 को एक चुनौती भरा टोटल माना जाता था। बैट और गेंद के बीच असंतुलन, समतल पिच और इम्पैक्ट प्लेयर नियम इस साल की IPL से उत्साह को निकाल लिया है और इसी कारण फैंस बिल्कुल गलत महसूस करते हैं। इसलिए वह 2024 के IPL को रोस्ट IPL मान रहे हैं, जो कि कल से ट्रेंड हो रहा है। दोस्तों, कई क्रिकेट दिग्गज ने इम्पैक्ट प्लेयर नियम के खिलाफ अपने विचार को सामने लाया है। रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया कि टीम में 12वें खिलाड़ी को जोड़ना कोई अच्छा काम नहीं है। इम्पैक्ट प्लेयर रूल ऑलराउंडर के मूल्य को कम कर टीम के बैटिंग जनरल को बढ़ावा देता है। रोहित के टिप्पणियों को मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, अक्षर पटेल, एरोन फिंच और एक हद तक दिल्ली कैपिटल के कोच रिकी पोंटिंग ने भी समर्थन दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं इम्पैक्ट प्लेयर रोल का कोई बड़ा समर्थक नहीं हूँ, यह सभी ऑलराउंडर्स को पीछे की ओर ले जाएगा। अंत में क्रिकेट 11 खिलाड़ियों द्वारा नहीं बल्कि 12 खिलाड़ियों द्वारा खेला जा रहा है, लेकिन सभी ऐसा महसूस नहीं करते। AB डी विलियर्स को लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम में कोई बड़ा हानि नहीं है, जबकि इरफान पठान बल्लेबाजों को शेर के दिल की दिलचस्पी दिखाने के लिए सराहते हैं। क्रिकेट बदल रहा है और बल्लेबाजों का मनोबल भी बदल रहा है। दोस्तों, इस पर आकाश चोपड़ा कहते हैं कि बॉलर्स को IPL में विकसित होने का तरीका खोजने की आवश्यकता है। दोस्तों, क्रिकेट हमेशा बैट और गेंद के बीच एक प्रतियोगिता रहा है। यदि आप मनोरंजन में एक के लाभ के लिए दूसरे को प्राथमिकता देते हैं, तो यह आप इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस उथल पुथल में एक बात स्पष्ट है, क्रिकेट जैसा कि हम जानते हैं हमेशा ही बैट और गेंद के बीच एक महायुद्ध रहा है। अब IPL के उच्च स्कोरों के समय में यह युद्ध और भी दर्दनाक हो गया है। क्या हम गेंदबाजों को बचा सकते हैं? क्या हम इस महत्वपूर्ण खेल के संतुलन को फिर से स्थापित कर सकते हैं? यह सवाल है कि क्या IPL के रोमांच को फिर से प्राप्त किया जा सकता है जब गेंदबाजी को सम्मान और समर्थन मिले? यह निश्चित रूप से एक बात है कि यह विवाद का अंत नहीं है। IPL को फिर से उस महत्वपूर्ण वातावरण में पुनः लाने के लिए हमें बॉलर्स के समर्थन के साथ बैट और गेंद के बीच का संतुलन बनाए रखने के लिए सम्मानजनक उपाय लाने की आवश्यकता है। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपनी राय हमें कमेंट में शेयर जरूर करें।